हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं एक कैक्टस प्लांट की कटिंग। और आज मैं आपको बताऊंगी कि एक कैक्टस को आप इजीली घर में कैसे ग्रो करा सकते हैं। तो देखें, मेरे पास ये एक मेरा प्लांट है जो कि मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने पहले लगाया था कैक्टस का। इसकी भी कटिंग ही लगाई थी और ये अब काफ़ी सारे इसके बेबी प्लांट्स हैं, तो मैं चाह रही थी कि मेरे पास ढेर सारे हो जाएँ ये कैक्टस के प्लांट्स। तो आज मैंने इनको करना है, इनकी कटिंग लगानी है। इस यहीं से मैंने इसको कट करना है और दूसरे पॉट में लगा देना है जो इसके बेबी प्लांट्स हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको इसकी कटिंग लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक नाइफ़। नाइफ़ के साथ मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे कट करना है, लेकिन नाइफ़ साफ़ होनी चाहिए बिल्कुल। अब इस तरह से देखें, जहाँ जो इसका एंड है वहाँ से उसको नाइफ़ के साथ मैं कट कर रही हूँ, जो बेबी प्लांट है जो हमने लगाना है। अब ये देखें, ये मैंने कट कर लिया है और ये देखें कितना इजीली कट हो गया है। कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने अपने हाथ बचाने हैं, ताकि जो इसके ये जो कांटे से हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं और लग जाएँ तो बहुत ही दर्द होता है। तो बस आपने अपने हाथ बचाने हैं। मैं इसको यहाँ से कट करूँगी और एक और दूसरे पॉट में लगा दूँगी और ये ईज़िली ग्रो कर जाएगा। और ये बहुत ही हार्डली प्लांट है, इसमें किसी किस्म की कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसकी सॉयल ज़्यादा हार्ड भी हो तो भी ये चल जाता है, सरवाइव कर जाता है। और ये गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो भी हो, जिस मर्ज़ी मौसम में लगा दें, इजीली ग्रो कर जाता है। तो ये मेरे पास 3 बेबी प्लांट्स हैं इसके, जो कि अभी मैंने यहाँ से कट किए हैं। अब इसको मैंने एक जो है मेरे पास डिस्पोजिबल सा कप है कॉफ़ी का, उसमें मैं लगाऊँगी इसको। तो देखें, सिंपल इसकी जो मिट्टी है वो मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ही ली है। अब इसको मैं इसके अंदर इस तरह से लगाऊंगी कि जो इसकी बर्ड्स हैं, यानी जो लास्ट वाला इसका हिस्सा है, मैं थोड़ी सी मिट्टी इसकी उखेड़ लूँ। उसके जो इसका लास्ट वाला हिस्सा है, यानी जो इसकी रूट्स जहाँ से डिवेलप होंगी, तो बर्ड्स 1-2 या इससे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा इससे भी ज़्यादा ना हो, बस 1-2 मैक्सिमम है, को इस तरह से दबा दिया है। अब ये इजीली लग गई हैं, अब इसका कोई इशू नहीं है। इसको आप रोज़ वाटरिंग करें और रोज़ाना इसको वाटरिंग करें तो ये इजीली ग्रोथ करना शुरू कर देगा और जो इसके न्यू प्लांट्स हैं वो इसके टॉप से निकलना शुरू हो जाएंगे, बेबी प्लांट्स। ये मैंने एक इसकी कटिंग लगा ली, ये आपको दिखा दिया। एक मैंने ये प्लांट जो है ये 2 मंथ्स पहले लगाया था और इतनी ही कटिंग लगाई थी, और देखें अब ये कितना अच्छा डिवेलप हुआ है। ये 2 मंथ्स, तकरीबन 2.5 इतना टाइम हो गया इसको। और अभी इसके ऊपर जो सबसे टॉप अप है इसका, इस पर अभी तक जो कांटे हैं वो नहीं आए, लेकिन छोटे छोटे मुंह निकले हुए हैं। अब ये आप ये देख लें, ये कांटे नहीं है, ये भी ऐसे कैक्टस ही है जैसे उसके बेबी प्लांट्स होते हैं। तो ये 2 मंथ्स पहले का मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने लगाया था। तो देखें फ्रेंड्स, ये कितना क्यूट है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एयर प्योरिफिकेशन है, आप घर में ज़रूर लगाएं और इसका आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये इजीली इंडोर चल जाते हैं, जिनके घर में धूप वगैरह नहीं लगती या और भी कोई इशू है, तो वो अपने साइड टेबल पे, स्टडी टेबल पे, कंप्यूटर टेबल पे, कहीं पे भी रख सकते हैं। और ये आपको इजीली मार्केट से भी मिल जाएंगे और मोस्टली घरों में भी लगे होते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है, आपको इसकी कटिंग इजीली मिल जाएगी। अक्सर आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इजीली ये अवेल हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा जो नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।